गुड मॉर्निंग जी, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और भाई, एक और दिन, खूबसूरत दिन हो गया है शुरू, और मेरा काम भी हो चुका है ऑलरेडी शुरू। इधर तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, टोस्टर में टाइम लगता है थोड़ा ज्यादा। टोस्टर, टोस्टर से समझ गए होगे, टोस्ट बना रही हूँ मैं काव्यांश के लिए। वो काफी दिन से जिद कर रहा था। मैंने तो खैर आलू के पराठे बनाने की सोची थी, लेकिन वो रात को भी, नहीं मम्मी टोस्ट लेके जाऊंगा, टोस्ट लेके जाऊंगा। वो थोड़े ना पसीज से जाते हैं, अजीब से हो जाते, तो मेरा मन नहीं करता टिफिन में देने का। ये रहता यहीं पर ही खा ले, खाने हैं तो, पर टिफिन में नहीं दूंगी। लेकिन वो कल बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, तो हाँ चल ठीक है, ले जा भाई, थोड़ा सा सबक तेरे को भी मिलना चाहिए। जब अजीब से हो जाएंगे, जब अपने आप ही अकल आ जाएगी, मान ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है, हमें बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है, उनको सबक सिखाने के लिए भी। तो कोई नहीं, चलो भाई, ये फिलहाल मैंने मसाला तो उसका बना दिया है, छोक वोक के, अच्छा देसी घी में बढ़िया, थोड़ा बहुत आमचूर वगैरह, थोड़ा सा चाट चाट मसाला भी डाला था, मैगी मसाला डाला था, और ये चटपटा सा थोड़ा सा बना दिया है। अब उसका कर देती हूँ रेडी टोस्ट, ठीक है? वो आने वाला है, उससे पहले फटाफट उसके लिए टोस्ट तैयार कर देती हूँ, उसका टिफिन एटलीस्ट रेडी कर दूँ जब तक वो आए, ठीक है भाई? लो भाई, मेरा लंच वंच काव्यांश के लिए हो गया है रेडी, और ये काव्यांश इधर अपना नाश्ता कर रहा है। और यो देखो, टोपा नहीं पहन रहा, कितनी गलत बात है इस लड़के की, पता नहीं मतलब के शर्म आवा है इसने टोपा पहनने में। मैं तो बहुत दुखी होगी इससे, इतनी ठंडी हवा हो रही है, अब मेरा भी नाक है ना कते थिरन लग रहा है। अरे इसमें अकल नहीं मेरे बेटे ने। बनाऊंगी अभी, जबरदस्ती बनाऊंगी। पहले सीधी उंगली से घी निकालो, ना निकले तो टेढ़ी कर लो। तो इनके साथ वही काम है, पहले प्यार से बेटा पहन ले, बेटा पहन ले, पर बेटे को समझ नहीं आती है बात, प्यार की भाषा क्या कराया जाए, है ना? प्यार की भाषा नहीं आती ना समझ में। अभी पहन लेगा थोड़ी देर में। हाँ भाई, जबरदस्त बढ़िया वाली ठंड हो रखी है। काव्या तो मेरी सोई है। हाँ, हमारा वर्ल्ड का बेस्ट गाजर का हलवा बनाते हैं मेरे फादर इन लॉ। हाँ जी, मेरे पापा, एक नंबर का हलवा, उन जैसा गाजर का हलवा भाई। मन है यहाँ तक लास्ट अपनी माँ का खाया था, हाथ का, ठीक है भाई। मेरी मम्मी बहुत बढ़िया बना, लेकिन मेरी मम्मी अब नहीं हुआ, थोड़ी सी बीमार रहती हैं, तो वो थोड़ा सा, उनके अंदर इतनी एनर्जी रहती नहीं है कि वो इतना टाइम दे सके हलवा बनाने में, तो इसलिए वो कम ही बना पाती हैं। हाँ, हम जिद करें तो बेचारी बना भी दे है जब रुकन जा घरा, लेकिन हाँ पापा एक नंबर का हलवा बना हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हमने जाने का इंतजार ही हो रहा है, जल्दी से जाडा आओगा, बढ़िया गाजर आऊंगी, फिर पापा हलवा बड़ा बना खाओगा हमने है ना मैंने शादी होने के बाद कभी भी गाजर का हलवा नहीं बनाया यहाँ पे, हमेशा पापा ने ही बनाया, पापा के हाथ पे एक बार बनाया था बस। हाँ, लेकिन मेरे हलवे में वो बात नहीं होती। हाँ, दादा बनाते हैं एक नंबर के, इसके बढ़िया वाला हलवा था, ठीक है। जब अब की बार बनाऊंगी ना, जब आपने, जरूर दिखाऊंगी और रेसिपी भी बताएंगे हम, और बड़ी कढ़ाई में बनाया करें है ना काव्यांश? हाँ, एक बार तो बड़ी वाली कढ़ाई में कुछ लोहे का भी निकल गया आ गया था। लोहे का नहीं, वो हमारी कढ़ाई खराब हो गई हलवा बनाते बनाते, और वो नीचे की जो उसकी तली थी ना, वो कहीं ना कहीं वो उसमें हलवे में मिक्स हो गई। बड़ा जी दुखिया पापा का, अब बेचारे पूरे दिन इतनी मेहनत लगी और अंत में वो सारा कुछ खराब सा। लेकिन हमने हमने जब भी, हम भी इतने निकम्मे बालक हैं, आज जब भी खा गए थे वो, पता काट काट गए उसमें फेंकते गए और हलवे ने खाते गए जब भी खा गए थे। जल्दी जल्दी रेडी हो ले, लेट हो जाएगा, यो भी गप्पे मारन लग जाए मेरी तरिया, कती मेरे पे जा रहा है चलो भाई मैं अपनी ग्रीन टी बनाती हूँ और करूंगी थोड़ी देर एक्सरसाइज। हेलो जी, हाँ जी, तो मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था, जो निर्वाल जी हैं,
थैंक यू कमेंट करने के लिए। पहले तो आपने पूछा कि आप डेली की अपनी डाइट बताएं। डेली डाइट जो है मेरी वो स्टार्ट हो जाती है मेरी ग्रीन टी से, जो मैं ग्रीन टी लेती हूँ, एयर फ्रेश भी बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ग्रीन टी लूंगी, अब ग्रीन टी लूंगी। और ग्रीन टी लेने के बाद 30 मिनट के बाद, मतलब अभी थोड़ा सा वर्कआउट करूंगी मैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ऑनलाइन जो मैं क्लासेस लेती हूँ हेल्थ के लिए, तो उसमें थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज करती हूँ, साथ साथ में अपनी ग्रीन टी ले लेती हूँ। ग्रीन टी लेने के बाद फिर मैं लेती हूँ अपना शेक 30 मिनट के बाद, मतलब उसके एक्सरसाइज के, फिर मैं अपना शेक ले लेती हूँ। ठीक है भाई, तो फिलहाल तो मैं अपनी ग्रीन टी बनाती हूँ और फिर शेक लूंगी, तब आपको बताऊंगी कि शेक कैसे लेती हूँ मैं, अपना शेक कैसे बनाती हूँ मैं। कोई बनाना शेक या कुछ और नहीं लेती, जो मेरा शेक है प्रोटीन और जो शेक का डब्बा मिलता है उसमें कुछ शेक होता है, तो वो मिक्स करके दूध के अंदर आधा दूध आधा पानी, और फिर मैं उसे ले लेती हूँ। इससे फायदा ये जो प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ, आपको इससे ये फायदा मिलेगा, वजन तो 100% आपका कम होना ही होना है, कंट्रोल में आना है मतलब। और साथ ही साथ मुझे जो फायदा हुआ, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है वजन भी, मैं ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि किसी की बॉडी ज्यादा जल्दी वजन छोड़ देती है, किसी की नहीं हो पाता है या कम होता है, लेकिन हाँ होता जरूर है, ये सच्चाई है, होता जरूर है। किसी का जल्दी कम हो जाता है वजन, किसी का लेट कम होता है, होता है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड है। तो इस चीज में आप ये मत लीजिएगा कि आपने कहा था इतना हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कोई एक महीने में 5 किलो तोड़ देता है, किसी का एक महीने में 1 किलो ही तोड़ता है, तो सबका अलग है। हाँ, लेकिन मुझे इससे जो फायदे हुए वो मैं जरूर बता देती हूँ आपको। मुझे इससे, मेरी बैक पेन बहुत ज्यादा रहता था, मुझे कमर दर्द, सॉलिड वाला कमर दर्द था, कम्प्लीटली बेड रेस्ट हो चुकी थी मैं एक टाइम पे, तो ऐसा भी था। तब तो मैंने डॉक्टर्स की दवाई वगैरह ली थी, उससे मेरे को काफी आराम मिला था। उसके बाद मुझे फिर किसी ने इसके बारे में बताया, तो मैंने फिर ये ज्वाइन किया क्लब, और यहाँ से फिर मेरे को जो प्रोडक्ट मिले मैंने वो प्रोडक्ट लिए। तो मुझे सिर्फ बताया था वेट लूज के लिए, कि वजन कम होता है यहाँ पे, लेकिन साथ साथ में मैंने दूसरों के फीडबैक सुने, जो डेली फीडबैक होते हैं, उससे मुझे पता चला कि वजन वजन नहीं, यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। हाँ, और फिर धीरे धीरे मुझे भी उनमें फर्क मिला, मेरा बैक पेन बिल्कुल आराम हो गया, मेरे घुटनों में दर्द, घुटनों में एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि कट कट की आवाज आती थी जब मैं जीने में ऊपर नीचे चढ़ती थी, तो कई, और इसीलिए फिर मैंने किचन भी मेरा ऊपर ही कर लिया था, ये भी रीजन था कि बार बार ऊपर नीचे चढ़ने की वजह से, तो वो कट कट के भी आवाज आती थी मेरे घुटनों में, वो कम हो गई मेरी। और दूसरी, फिर मेरे पैर बड़े दर्द करते थे, मतलब मैं थोड़ा बहुत भी काम कर लेती या कहीं घूमने इधर से उधर चली जाती तो बहुत ज्यादा थक जाती थी, ऐसा हो जाता था कि बस अब आगे का काम नहीं होना है, तो बड़ा एनर्जी लेवल भी बड़ा कम था, पैरों में दर्द रहता था, उसमें बड़ा आराम मिला है मेरे को, बहुत ज्यादा आराम मिला है मेरे को, स्किन पहले से बेटर हो गई मेरी, हाँ स्किन के अंदर बड़ा फर्क हो गया मेरे, नहीं तो जो आफ्टर डिलीवरी के बाद थोड़ा सा आपने देखा होगा स्किन डल डल या अजीब सी हो जाती है, तो उसमें भी बड़ा रिलीफ मिला मेरे को, तो इसीलिए ये सब मैं यूज करती हूँ। तो अब मैं फिलहाल अपनी ग्रीन टी बनाऊंगी, तो बहुत इजी है इसको बनाना, आप देख लीजिएगा। ये मेरा चुनचुन उठ गया है, मैं बना रही थी अपने लिए ग्रीन टी, पर ये कहाँ बनाने दे, ये उठ गई, वो भाग ली दादू दादी के पास, आराम से आराम से, चलो 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 चूहे चल, देख कैसे छुप छुप के जा रही है ये मेरी गुन 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 है। हाँ, अब अपनी ग्रीन टी बनाती हूँ और थोड़ी देर के बाद शेक पियेंगे। ठीक है भाई, शेक पीने के बाद फिर मैं अपना नॉर्मल लंच लेती हूँ, जो घर में जो भी खाना नॉर्मली बनता है वो ही खाती हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर वेट लूज या कुछ भी करना चाहते हो तो आपको आटा चेंज करना है या आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सिंपल आपके घर में जो खाना बना है, रोटी सब्जी दाल चावल दही लस्सी कुछ भी हो जो आपने सत्ते ही बनाया है वो ही आप भी खा सकते हो, तो बस फिर वो खाना खा लेती हूँ मैं। खाना खाने के बाद फिर
फिर थोड़ी देर का अपना भाई रेस्ट वगैरह चलता है। उठती हूँ, चाय मुझे पसंद नहीं है, चाय मैं कभी से ही नहीं पीती, मेरे को कभी भी चाय अच्छी नहीं लगी। और इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आप चाय नहीं ले सकते हो, पर हाँ आप जैसे 3 या 4 चाय लेते थे या 2 लेते थे तो उसमें 1 करनी पड़ेगी आपको। तो फिर मैं दोबारा ग्रीन टी ले लेती हूँ अपनी शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब। उसके बाद कोई फ्रूट अगर मन करता है तो वो ले लेती हूँ, नहीं तो ताल मखाने या कुछ थोड़ा बहुत रखा है तो बस इतने से जितने मेरे इस हाथ में आ जाए इतने थोड़े से वो खा लेती हूँ बस भाई। और उसके बाद अपना सिंपल वही शाम का खाना खाना है खाना खाओ, और शेक लेना है तो शेक लो। मैंने शेक शाम का इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे जितना वजन कम करना था उतना मेरा हो गया है तो मुझे अब इतनी जरूरत लगती नहीं है। लेकिन हाँ ये एक हेल्दी खाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसे लेने से मैं अवॉइड भी नहीं हो सकती, अवॉइड भी नहीं कर सकती मैं इस खाने को क्योंकि ये बहुत हेल्दी है आपके लिए। तो इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे तो जरूर कोशिश करती हूँ लेने की, अगर सुबह नहीं तो रात को, पर मैं लेती जरूर हूँ इसको। हाँ अगर किसी को वजन कम करना है तो वो 2 टाइम इसे ले सकता है, एक सुबह अपना जो आप नाश्ता करते हो नाश्ते के टाइम पे और एक डिनर के टाइम पे आप इसे ले सकते हो। और इसका फायदा इतना है आपको ना भूख भी नहीं लगती है, आपको बिल्कुल भूख नहीं, आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाता है, जितना आप रोटी खाते हो ना 3 रोटी हो जितना उतना ही पेट फुल हो जाता है बढ़िया। और अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है, इतनी रिलैक्स हो के आप बच्चे की जैसे सोते हो। तो चलो भाई फिलहाल मैं अपनी ग्रीन टी बना देती हूँ नहीं तो वो फिर आ जाएगी। हल्का गरम मतलब ये लगा लो गुनगुना सा, नहीं थोड़ा सा गरम ही है क्योंकि मैं थोड़ा सही गरम पानी पीना पसंद करती हूँ तो गरम गरम पानी इसमें डाल लिया है। अब थोड़ी देर में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये रेडी आपकी। बस सिंपल सा रूटीन है भाई, और सीधी सी बात है जो मुझे भी पहले समझ नहीं आई थी बाद में आई कि शरीर की आप कदर करते हो तब शरीर आपकी कदर करता है। तो सारे काम एक तरफ है, हर फर्ज निभाना है, माँ का भी पत्नी का भी बहू का भी, सारी चीजें ठीक है लेकिन आपका शरीर आपका है और जिसके लिए सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं सोचेगा। और अगर आप इसकी कदर नहीं करोगे तो कल आपकी कोई कदर नहीं करेगा क्योंकि बीमार इंसान, बीमार दिमाग, बीमार आदमी किसी को भी पसंद नहीं है, यह सच्चाई है। हर किसी ने हस्ट पुष्ट इंसान अपने आस पास अच्छे लगे हैं तो कोशिश करो, और तो सब भगवान के हाथ में है, सही रहना बीमार रहना या कुछ भी है लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप हेल्दी रहो, अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम निकालो पर अपने लिए, अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करो डेली का, कुछ हेल्दी खाना, कुछ हेल्दी करना। और वैसे तो देखो हमारी काफी कैलोरीज कम हो जाती हैं जब हम घर का काम भी करते हैं, उसमें भी बहुत हमारी कैलोरीज कम होती हैं क्योंकि देखो मेहनत लगती है, पसीना भी निकलता है लेकिन उतनी हम बढ़ा भी लेते हैं चाय पीने से, चाय में कितनी कैलोरीज हो जाती है। और काफी मैंने देखी है जो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर्स भी हैं, मम्मी तो मेरी चाय नहीं पीती पर मेरी बहन भी है एक दो, जो हर चाय उनको ना आधे घंटे के बाद ही कहता चाय बना लो वो तैयार होती है, हाँ बना ली और भी काफी कुछ खाने हो जाते हैं। तो चलो देखिए इसका कलर भी हो गया चेंज बात करते करते, तो अभी ग्रीन टी मेरी रेडी है, अब मैं इसको पी लेती हूँ और उसके बाद 30 मिनट के बाद कुछ ले लेंगे शेक बस, और साथ साथ में करती रहूंगी मैं अपना काम। आज बना रही हूँ भाई बैंगन का भरता, मेरा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है बैंगन का भरता खाना,
खैर मैं तो सारी चीज खुश होकर खा लूं, पर आज मन था बैंगन के भरते का, तो आज बैंगन का भरता बना। अब क्या कर रही है मम्मी के साथ मस्ती ऊपर आके? दादू दादी के पास से आ गई थी, दादू गए इसके कहीं काम से। बेबी की पिटाई कर रहे हो क्यों? बैठ जाओ, बेबी को कह रहे हो? प्यार करते हैं बेटा, मम्मा जैसे प्यार करती है आपको वैसे प्यार करो ना बेबी से। प्यार करती हैं बेबी को? नहीं, प्यार कर दो ना, वो रोई रोई कर रहा है, उसको प्यार करो जैसे मम्मा प्यार करती है आपको। आपको ये होती है मम्मी प्यार करती है ना आपको, आप भी करो अपने बेबी को प्यार। गंदी बात, बच्ची को नहीं मारते है ना, प्यार करो, प्यार कर दो ना। पापा से तो मिलवा दे इसको, ऊपर आ गए पापा, ऊपर है, ऊपर वहां पे अंदर वो रे। बेबी को तो लिया नहीं पापा आ गए, नहा धो लिए, काम निबट गया, इसके पापा जा चुके हैं अपने काम पे और काव्या रानी स्नान कर रही है। हाँ ये टाइम ही रहता है, वो इस टाइम पे मैंने उसको साबुन में लगा दिया, अपना नहला दिया, वो थोड़ी देर बैठी है अपने गर्म गर्म पानी में, टप में। हाँ मेरे हाथ में है ऑरेंज संतरा, मन कर गया अभी खाने का, थोड़ा सा मन नहीं था रोटी का, तो मैं थोड़ी देर पहले संतरा खा लूँ धूप में बैठ के। मूँगफली, मूँगफलियाँ की कमी है, मूँगफली और मंगवाएंगे फिर और मजा आएगा। और देख लो मैंने यो क्लींजिंग तई कच्चा दूध रखा था, यो रह गया, भूल गई। लेकिन अगर आपने भी क्लींजिंग करनी है ना कच्चे दूध से करो, हाँ बिना उबला हुआ जो सुबह आपका भैंस का गाय का जो भी दूध आवे ना उसने लेकर कॉटन से और पूरे फेस पे उससे क्लींजिंग करो, मतलब उससे फेस साफ करो, थोड़ी देर उसको लगा रहने दो। हाँ इतनी बढ़िया सॉफ्ट स्किन भी हुआ है, कलर भी धीरे धीरे फेयर होना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छी रहती है कच्चे दूध की क्लींजिंग, बहुत अच्छी रहती है। और नहीं तो आप जो चावल रहते हैं चावल को रात भर भिगो के पानी में छोड़ दो और सुबह उसको उसी पानी, पानी नहीं फेंकना उसका, पानी तो बहुत फायदेमंद रहता है। अगर उसका आप वैसे भी चावलों का जो पानी होता है उसको आप स्किन पे लगाते हो तो आपकी स्किन भी टाइटनेस आती है, फेस भी ग्लो करता है, बहुत फायदेमंद होता है उसका पानी। और नहीं तो उसको पीस के उसका पेस्ट सा बना के और उस पेस्ट को भी अगर थोड़ा सा बेसन वेसन या दही डाल के उसमें और आप फिर फेस पे मसाज करने के बाद स्क्रब की तरह यूज करने के बाद थोड़ी देर फेस पे लगा रहने दो। लेकिन हाँ ये याद रखना उसके दाने ना ज्यादा मोटे ना रह जाए क्योंकि स्किन हमारी बड़ी सॉफ्ट होती है, वो उससे थोड़े से कट भी सकते हैं, किसी चीज को रैशेज भी हो जाते हैं, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। और उसका फेस सिर्फ फेस पैक बना के उसको छोड़ दोगे ना आप स्क्रब करने के बाद और स्किन देखियो गजब चमकेगी। इसी से मैं होम रेमेडीज करती रहती हूँ, पसंद है मैंने, पर अब थोड़ा सा ये है कि टाइम नहीं मिलता काव्या के साथ तो कई बार भूल जाती हूँ, कि हाँ बहुत ऐसी होम रेमेडीज मैं यूज भी करती हूँ जब टाइम मिलता है। और ऐसे फेस पैक भी मैं बड़ा यूज करती हूँ, मैं चावल का जो होता है उसको पीस वीस के भी अपना रख लेती हूँ मैं, और उसको जब मेरा थोड़ा सा टाइम होता है जब मैं यूज करूँ, क्योंकि उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, होम रेमेडीज से बेस्ट कुछ नहीं है सच में। अभी एक दो फेस पैक बनाऊंगी मैं भी अपने लिए, जिस दिन बनाऊंगी ना टाइम होगा उस दिन आपको दिखाऊंगी, स्पेशली उस दिन ब्लॉग की बजाय सिर्फ फेस पैक का एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, और सच में काम करती है वो, यूज करके देखना और बताना जरूर फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो चलो भाई फिलहाल संतरा खा लेती हूँ मैं अपना ऑरेंज, और इसका जो छिलका है वो भी फायदेमंद है, देखा याद आ गई। अब इसको मैं सुखा दूंगी धूप में और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हम इसको पीस के रख लेंगे, और इसका फेस पैक जबरदस्त एक नंबर का फेस पैक बना है इसका। तो चलो इसके छिलके देखा कई चीज जाके था, छिलके भी फायदेमंद रहे तो इसको रख ले। मैं तो खैर सेब का छिलका वगैरह भी रख लेती हूँ और वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है उसको भी इनको मिक्सअप करके लगा लेती हूँ क्योंकि इनसे अच्छा कुछ नहीं है, ये नेचुरल चीज है। भाई ये कर लिए हैं छिलके तोड़ दिए और अब इसने थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ, ये मुझे दो तीन दिन लगातार रखने पड़ेंगे जब जाके कहीं ये ड्राई होंगे, तो ये धूप में छोड़ दिए हैं सूखने के लिए।
थोड़े थोड़े सूख जाएंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, तब इनको हम पीसेंगे। मैं तो ज़्यादा देर धूप में भी नहीं रह सकती, धूप में रह जाओ ना मेरे गाल नहीं ऊपर तो कुत्ती से लाल हो जाएंगे, बुरा हाल हो जाए। ज़्यादा देर हम तो धूप में भी नहीं रह सकते। लो देखूँ उस देवी ने टप में बैठी है, वहां निकालू उसने टप में तो बाहर। ये देखो मेरा चूहा नहा लिया, तेल में लथपथ होया मिला यो, इसके हाथ लग गया नारियल का तेल भाई, और इसने ऐसा तूफान मचाया, और सारी ये के बाल देखो नारियल के तेल में किस तरह चिप चिप हो रहे हैं, सारे मुंह पैर सब जगह लगा कर बैठ गया। ये देखो इसने सब कुछ टप के अंदर, या इसने बोतल कती खाली कर दी, और देखो कितनी चिप चिप कर दी, बुरा हाल कर दिया भाई, बहुत ऊंच हो रही है, अकेले छोड़ने की भी नहीं है या। दो ही मिनट छोड़ी तो पहले थोड़ी सी अपने आप नहा लेगी, इसने तो मेरा काम भी इतना बढ़ा दिया, और सारा तेल अपने शरीर पे बाड़ा में सब जगह भर गई कती। ले अब इसने खाना खवा दू भाई मैं, और आपसे होगी थोड़ी देर में बात दोबारा। देखो मेरे दोनों बच्चे, अरे मेरे छुटंकू ने देखो, मेरा छुटंकू जैगिंग वैगिंग पहन के सर्दी से बचने के लिए हो गया रेडी। ओ भाई वो कूद गया बड्डा, यो लौट रहा, यो आज स्कूल ताने के बाद थोड़ी देर सो गया भाई मेरा बेटा, है ना, थोड़ी देर सो गया था। और तेरे को किसी याद आई थी आज, रिया दीदी की याद आई थी है, रिया दीदी थोड़े दिन में आएगी रिया दीदी, ठीक है हाँ। अय हाय आय हाय, कैसे डांस करके दिखाएगा रिया दीदी को, ऐसे ऐसे डांस करके दिखाएगा ये अपनी बहन को। अच्छा ओ भाई वो कूद गया, चलो भाई इनको चाय दूध दे देती हूँ, शाम हो चुकी है, ये उठ गए हैं सो के, छह बजने वाले हैं, छह बजने वाले हैं, 20 मिनट है। हाँ टू टू, या एक मेरी गोली चलाओ मेरा इनका, टू टू टू, ये देखो बताऊ तने बताऊ, चल मैं चाय दूध ला रही हूँ तेरा, ठीक है। ए गंदू, काव्या ने चाय दूध पी लिया, अब काव्या कहाँ जा रही है, अब कहाँ जा रहे हो काव्या, आप मामा पास, दादू पास, गदू ओ गंदू, दादू पास, अब काव्या जा रही है दादू पास, है ना चूहे, दादू पास चल रही है ना, आ जाए जल्दी। तो भाई शाम का काम भी हो गया खत्म, शाम का क्या रात का ही खत्म हो गया, ये खाना वाना हो गया बन के रेडी, काव्यांश ने खा भी लिया और वो पढ़ रहा है ट्यूशन, और काव्या भी खा पी के जा चुकी है नीचे, क्योंकि आ चुके थे उसके दादू, आज उसके दादू नहीं थे, अब बस मेरा रह गया है, मैं भी खाना खा लेती हूँ, ठीक है भाई, तो खाना वाना खा के फिर दोबारा होगी आपसे बातचीत। लो भैया हम तो सो गए थे आराम से, ये देखो काव्या रानी कर रही है ड्रामे, काव्या बात करनी है गाइस से, नहीं करनी, नहीं करनी, ठीक है भाई इसको बात नहीं करनी, हम नहीं कराते इससे आपकी बात, हमने तो आज, ये देखो बदमाश बच्चा उठ गया गाइस से बात करने के लिए। अच्छा तो चलो भाई हो गया है सोने का टाइम 10:30, मैं तो व्लॉग एंड करना ही भूल गई थी आज फिर से, फिर एकदम याद आया कि आज मैंने व्लॉग तो एंड ही नहीं किया, तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग के साथ, आज एक और खूबसूरत दिन हुआ खत्म, कल एक और शानदार दिन हो जाएगा शुरू, तो ऐसे ही समय चलता रहेगा, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, कर दो राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, आई राम, इतनी अच्छे से हाथ जोड़ के राम राम, कर दो हाथ जोड़ के राम राम, बाय बाय, राम राम, राम राम, शू।